दोस्तों, अगर आप भी अपने शहर में किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई कार हायर करना चाहते हैं या फिर कोई कैब बुक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो दोस्तों आपके लिए है। अच्छी वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे उबर ऐप का यूज़ करके कैब बुक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशोद और आप देख रहे हैं आज की निगाह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उबर ऐप का लिंक, वहाँ से आप जा करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर प्ले स्टोर पर भी आप उबर लिख सकते हैं, आपके सामने ये ऐप आ जाएगी। इस ऐप को खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पे हम परमिट दे देंगे इसको। और यहाँ से देखिए उबर ऐप अब यहाँ पे खुल रहा है। नीचे देखिए गेट स्टार्ट का ऑप्शन है। दोस्तों उबर ऐप से आप कोई भी कैब बुक कर सकते हैं, कोई भी कार बुक कर सकते हैं, अगर किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर डाल करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा अकाउंट ये लॉगिन हो चुका है, और ऑलरेडी क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल के जैसे OTP डाला, यहाँ पे अब पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड अगर हमको याद है तो हम पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं याद है तो आई फॉरगेट माई पासवर्ड के ऑप्शन पर हम क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी, यहाँ से आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे उबर ऐप पर हम लॉगिन हो चुके हैं, और ऊपर देखिए यहाँ पे लोकेशन ऑन करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इनेबल कर देंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमको देखने को मिल रहा है। अब हमको जहाँ पर भी जाना है, हमको यहाँ पर देखिए वेयर टू का ऑप्शन है, वहाँ पर हमको अपना लोकेशन डाल देना है जहाँ पर भी हम मुझे जाना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस जगह पर जो लोकेशन है वो आपकी करंट लोकेशन होगी, इसको आप मैनुअली भी डाल सकते हैं या फिर जो भी आपकी करंट लोकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अब वेयर टू के ऑप्शन पे हमको डालना है जहाँ हमको जाना है, यहाँ से जहाँ भी हमको जाना है। अगर हमको यहाँ से मान लीजिए एयरपोर्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि विच एयरलाइन, तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर जैसा कि हमने लोकेशन अपनी लोकेशन से जहाँ के लिए डाला, हमने चारबाग रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक की लोकेशन डाली, जिसके लिए यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ। जब इसको ऐसे आप डबल टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि किस लोकेशन पे आप हैं, और जिस लोकेशन पे आप हैं इसके आसपास कितनी कार है, कितने कैब हैं, और उसके बाद ये एक रूट यहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना रूट किस कितना ये जनरली रूट पड़ता है। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे अब आपके सामने फेयर दिखा रहे हैं और यहाँ पे आपके सामने कैब दिखा रही है। उबर गो यहाँ पे 319 रुपीज़ की है, और कुछ प्रीमियर पे जाएंगे तो अब थोड़ा सा महंगा होता जाएगा उबर एक्सेल। तो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि उबर गो में छोटी गाड़ियाँ जनरली आती हैं, और जो प्रीमियर होता है उसमें आपको सेडान गाड़ियाँ मिलेंगी, एक्सेल में बड़ी गाड़ी जैसे कि SUV गाड़ियाँ मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरीके से आप प्राइस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे देखिए 299 का ये गो सेडान है, तो यहाँ पे डिज़ायर वगैरह टाइप की कार यहाँ पे आपको आएगी। और पहले तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सा यहाँ पे सर्विस सेलेक्ट करनी है। तो मान लीजिए कि हम गो सेडान को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों देखिए कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहे हैं इकॉनमी में, तो यहाँ से आप सेडान रेंटल, आप रेंटल भी ले सकते हैं, रेंट पर ले सकते हैं कार, एक घंटा स्लैश पर 15 किलोमीटर के हिसाब से ये है, तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए ऑटो का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है नीचे के साइड में। अब ऑटो पे आपको 160 रुपीज़ में देखिए पहुँचा देगा, तो यहाँ से आप ऑटो भी बुक कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कि देखिए बना हुआ है, अगर आप 3 लोग हैं तो ऑटो आप चूज़ कर सकते हैं, ऑटो और ऑटो प्लस इसके अलावा, या फिर अगर आप कार बुक कर सकते हैं अगर आप 4 लोग 5 लोग हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आप कैब भी यानी कि कार भी बुक कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है कैश का, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज़ करना है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप कैश में करेंगे या फिर आप ऑनलाइन करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से अपना पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, UPI वगैरह। ठीक है, इसके बाद अगर हम कैश करना है तो यहाँ पर कैश के ऑप्शन पर हमको टिक रहने देना है, और यहाँ से चूज़ गो सेडान के ऑप्शन पर हमको क्लिक कर देना है। अगर हम ऑटो करेंगे तो यहाँ पे चूज़ ऑटो का ऑप्शन दिखाएगा, तो चूज़ ऑटो के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों दिखा रहा है कि हमको जैसा कि हमने रेलवे स्टेशन का डाला था, तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के 2-3 एग्जिट पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर दिखा रहा है कि किस एग्जिट पॉइंट पर आप हैं, आप छोटी लाइन पर हैं या फिर आप एग्जिट
एग्जिट गेट पर है, तो यहाँ से एक अपना एक लोकेशन सेलेक्ट करके कंफर्म पिकअप पे हम क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए कुछ वेरीफाई करने को आ रहा डिटेल, तो इस डिटेल को वेरीफाई हम कर लेते हैं। तो यहाँ से OTP वेरीफिकेशन हो गया है, तो मोबाइल वेरीफिकेशन करना था। और यहाँ से दोस्तों देखिए कंफर्म राइड का ऑप्शन है, मीट एट चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमारी जो राइड है वो बुक हो रही है। अभी हमारे पास कार की और ड्राइवर की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी दोस्तों। और दोस्तों देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पिकअप स्पॉट से लगभग 4 किलोमीटर दूर एक कैब है जो कि बुक हुई है, मारुति सुजुकी डिज़ायर है, ये रहा गाड़ी का नंबर। और यहाँ पे जब राइडर आपके पास आएगा तो यहाँ पे आप एक पिन या फिर जिसको OTP भी बोलते हैं उस OTP को आपको शेयर करना रहेगा, तब आपका राइड स्टार्ट होगी। यहाँ पे आप नीचे करेंगे तो ड्राइवर का नाम भी आपको आ रहा है, अजीत नाम है। यहाँ पे आप कुछ मैसेज भी कर सकते हैं या फिर कुछ आप कॉल उसको करके बताना है, बात करना है तो आप यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से लोकेशन दिखाएगा, जैसे कि ड्राइवर आपके पास आएगा उसी तरीके से लोकेशन आपके सामने यहाँ पे दिखाती रहेगी। जब आप सक्सेसफुली ड्राइवर को जब आप OTP दे देंगे तो आपकी राइड स्टार्ट हो जाएगी और लोकेशन दिखाने लगेगा जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ की। और अगर इसको हमको कैंसिल करना है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट में यहाँ पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे देखिए कैंसिल राइड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको पहले तो डिटेल दिखा रही है कि कहाँ हमको जाना है, तो यहाँ से आप जो आपकी लोकेशन जहाँ आपको जाना है, अगर आपको कोई प्लान में चेंज है तो आप यहाँ से कोई लोकेशन ऐड या फिर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको बीच में भी कहीं रुकना है तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप कहीं और जाना है। यहाँ से आपका कैश का ऑप्शन है पेमेंट का, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और इस राइड को किसी और के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको राइड कैंसिल करनी है तो यहाँ पर देखिए कैंसिल राइड का ऑप्शन है, तो इस कैंसिल राइड के ऑप्शन पर जब हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारी राइड कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से समय पूछ रहा है कि हमको कैंसिल करनी है कि नहीं, तो यहाँ से हम यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारी राइड सक्सेसफुली दोस्तों कैंसिल भी देखिए हो चुकी है। तो आपने सीख लिया कि किस तरीके से हम कैंसिल भी कर सकते हैं राइड और हम कैसे बुक भी कर सकते हैं राइड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से देखिए कुछ सर्विस के भी ऑप्शन है, सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करके भी आप कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखिए ट्रिप इंटरसिटी रेंटल रिजर्व का भी ऑप्शन है आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई पार्सल भेजना है या फिर स्टोर से कुछ आइटम पिक करना है तो भी यहाँ पे आपको सर्विस अवेलेबल है। ये यहाँ से ऑलरेडी आ रहा है कि अगर हमको सेंड करना है पैकेज तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर हम रिसीव करने वाले हैं फिर अगर किसी स्टोर से कुछ पिक करना है तो भी यहाँ से हम क्लिक करके स्टोर से पिक करके आपके लोकेशन पर आ जाएगा। ये भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दोस्तों अवेलेबल है। अगर इस पर भी आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं भी इस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप उबर ऐप का यूज़ करके कैब बुक कर सकते हैं और किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली अच्छी कार से AC में बैठ के आ जा सकते हैं। अगर दोस्तों आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।